घर के मंदिर के शुभ और अशुभ दिशा के बारे में तो हमने जाना और पंडित जी ने बहुत विस्तार से आपको बताया। पंडित जी आपने उसके ऑप्शन भी बताए, बहुत कुछ डायरेक्शन बताए, लेकिन एक ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मंदिर हो वो किस चीज़ से बना होना चाहिए। और जैसा कि हमने ये भी जिक्र आप कर रहे थे, फ़र्श की बात करते, तो क्या फ़र्श पर रखना शुभ होता है और गुंबद का होना कितना महत्व है, उसके अच्छे फ़ायदे हैं या नुकसान है, ये बताएँ आप। देखो, घर में लकड़ी का बना हुआ मंदिर सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन लकड़ी जो है शीशम, सागवान या आम की लकड़ी होना चाहिए। आजकल जो प्लाईवुड की लकड़ी से बना हुआ मंदिर है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्लाईवुड में पता नहीं किन किन लकड़ियों का समावेश किया जाता है और किन किन लकड़ियों से बनाया जाता है, और प्लाईवुड पे सनमाइका लगा दिया जाता है। देखने में सुंदर जरूर लगता है, लेकिन ये मंदिर जो है शास्त्र सम्मति ढंग से ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं करता है। तो शीशम, सागवान या अगर आम की लकड़ी का मंदिर बना होगा तो निश्चित रूप से उसका पूजा करने वाले के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इससे भाग्य को भी बल मिलेगा और भाग्योदय भी होगा। संगमरमर से बने मंदिर भी घर के लिए शुभ होते हैं। मंदिर को सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए, घर पे बने मंदिर को में गुंबद नहीं बनवाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिन मंदिरों में गुंबद होता है वहाँ ध्वजा या कलश चढ़ाना जरूरी होता है, तो मंदिर में ध्वजा और कलश से ऊंचा कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर तो छत है, तो इसलिए मंदिर पर गुंबद नहीं बनवाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।